गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्षता की चर्चा करेंगे। हम इसका अर्थ, परिभाषा, परिचय, इसका विकास और संविधान में इसके क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे आपने संविधान के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है और हमने उस संविधान में मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों की भी बात करी थी। अब जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत में जो अनूठा पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया है, उसके बारे में आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले मीनिंग और अर्थों में पंथ निरपेक्षता का जो अर्थ है वो लिया गया ऐसा राज्य जो अपने कार्यों के लिए धर्म को आधार नहीं बनाता, राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता है। ये सामान्य अर्थों में इसके अर्थ को बताने की कोशिश करी है। फिर इसके बाद राजनीति क्षेत्र में पंथ निरपेक्षता से अर्थ राज्य शासन के अधिकारियों की नियुक्ति, चुनाव शासन का कार्य शासन का कार्यक्रम व नीतियां, शासन द्वारा आर्थिक सहायता का वितरण आदि धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता के द्वारा समझाया गया है। इसके कुछ विद्वानों ने धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की परिभाषा भी दी है, जिसमें पहला नाम आता है डॉक्टर राधाकृष्णन। इन्होंने ये बताया है कि पंथ निरपेक्ष होने का तात्पर्य अधर्मी या संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ पूर्णतया आध्यात्मिक होना होता है। डोनाल्ड ई स्मिथ पंथ निरपेक्ष राज्य के बारे में ये बताया है कि यह राज्य वह राज्य है जिसके अंतर्गत धर्म विषयक, व्यक्तिगत, सामूहिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है, जो व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय धर्म को बीच में नहीं लाता, जो संवैधानिक रूप से किसी धर्म से संबंधित नहीं है और ना किसी धर्म की उन्नति की चेष्टा या प्रयत्न करता है और ना ही किसी धर्म के मामले में हस्तक्षेप करता है। ये जो परिभाषा है ये स्मिथ ने इन शब्दों के माध्यम से देने की कोशिश करी है। डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने धर्म निरपेक्षता का अर्थ ये बताया है कि पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं है कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करेंगे। इसका तो केवल यही अर्थ है कि राज्य लोगों पर किसी भी धर्म को नहीं थोपेगा। संक्षेप में पंथ निरपेक्ष राज्य का यही अर्थ होता है कि राज्य विभिन्न धर्मों में से किसी एक धर्म के साथ पक्षपात ना करें और ना किसी धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत में धर्म निरपेक्षता क्यों? इसके कई कारण निम्न बिंदुओं के आधार पर बताया है। पहली बात ये कही है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत में सांप्रदायिक राजनीति का विकास हुआ, जिसके कारण देश का विभाजन हुआ और इससे धर्म और संप्रदाय को राज्य एवं राजनीति से पृथक रखा गया। दूसरा, एक ऐसे राज्य में जिसमें विभिन्न धर्मों के अनुयायी हों, यदि राज्य किसी धर्म विशेष को संरक्षण देता है या किसी धर्म से द्वेष रखता है तो राज्य नागरिकों में समानता नहीं बरत सकता। तीसरा, डोनाल्ड यूनियन स्मिथ के अनुसार, क्योंकि भारत में अनेक संप्रदायें व मतांतर हैं, इसलिए भारत में राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को मान्यता देना अच्छा नहीं समझा गया। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वह उसी धर्म का पालन करे जिसे वह अपने लिए ठीक समझता हो। ये बड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्मिथ ने देने की कोशिश करी है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो भारत में जो पंथ निरपेक्षता है उसका विकास किस तरह से हुआ? तो भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष संबंधी प्रावधान 42वें संशोधन द्वारा 1976 में संविधान पीठ ने पंथ निरपेक्षता धारणा को स्पष्टता प्रदान की है। दूसरे, सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने 11 मार्च 1993 के निर्णय में कहा कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान की एक मूल अवधारणा है, संविधान का एक प्रमुख आदर्श और लक्ष्य है। यदि कोई राज्य
या राज्य सरकार धन निरपेक्षता के आदर्श के विरुद्ध कार्य करती है तो राष्ट्रपति के द्वारा उसे बर्खास्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के द्वारा उसे बर्खास्त किया जा सकता है। अब पंथ निरपेक्षता की प्रकृति है क्या? तो पहली बात, पंथ निरपेक्षता की प्रकृति धर्म नैतिकता के प्रति सकारात्मक भाव। दूसरा, धर्म व्यक्तिगत विषय है, ये उसकी प्रकृति है। तीसरा, विवेकपूर्ण और वैधानिक दृष्टिकोण। चौथा, सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक अंधविश्वासों व धार्मिक कट्टरता का विरोध। पांचवा, शासन द्वारा धार्मिक शिक्षा का निषेध, नैतिक शिक्षा का प्रावधान। ये इसके मुख्य बिंदु थे। इन मुख्य बिंदुओं की जो हम संक्षेप में और या जो इसकी व्याख्या है अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमने केवल उसका अर्थ, परिभाषा और संविधान में जो पंथ निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता है, उसका प्रावधान या किस अनुच्छेद में उसकी चर्चा या बात की गई है, ये हमें बताने की कोशिश करी है। जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम इस प्रकृति, जो मैंने आपको पांच बिंदु बताए हैं, इसकी संक्षेप में वर्णन करेंगे और कुछ इसके द्वारा हम ये भी चर्चा करेंगे कि पंथ निरपेक्षता के प्रसंग में कौन कौन सी समस्याएं भारत में देखने को मिलती है। तो आज का जो विषय है वो यहीं समाप्त होता है और अगली क्लास के लिए हम नेक्स्ट बात करें।